أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك جنيا آمنا ندالال سونا पुत्र जग विच इंज किसे मैदान नहीं दुध पीता गलीमां दा ते हिलम होया रुतबा जग विच इंज किसे दाईदान नहीं दिंदी लोरिया शीमा मुहब्बतां थी मैनू चा इना सके पैदा नहीं मैं सोने मुहम्मद तो जा सदके इंदे बिना हुन चट लंघाईदा नहीं हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह सुबहानहु व तआला दी जाती अकदसो अतहरो आला व बाला वास्ते खास है और दरूद व सलाम अनगिनत ला तादाद बेशुमार अकई कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन रसूलुस सकलैन इमामुल किबलतैन सैयदुल कौनैन इमाम आज़म खतीब आज़म सैयदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गरामी ते वाजिबुल इहतराम सामीन मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों और आजीज साथियों इंग्लैंड दे साइंसदाना ने इस बात की रिसर्च की है कि अल्लाह की जमीन ते मोतबर बंदियां दे विचों ऐसा केड़ा बंदा आया है जिन्हें कम वक्त अंदर थोड़े जे वक्त अंदर
सब तो ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल कीता होए और फिर इस्तेमाल भी बिल्कुल सही कीता। साइंसदानों ने इस बात उत्ते रिसर्च कीती और फिर इस नतीजे ते पहुंचे कि अल्लाह दी जमीन ते मोतबर बंदियां विचों कम वक्त अंदर थोड़े जे वक्त अंदर सब तो ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करन वाले और बिल्कुल सही इस्तेमाल करन वाले अगर अल्लाह दी जमीन ते आए ने ते उन्हां दा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक ईसाई है माइकल हार्ट दा नाम है, इन्हें एक किताब लिखी है दुनिया दे अजीम तरीन 100 बंदे, फिर उन्हें नंबर लगाए ने पहले नंबर ते दूसरे ते तीसरे ते 100 तक नंबर भी लगाए। उन्हें हजरत ईसा अलैहि सलाम दा नाम तीसरे नंबर ते लिखिया और नबी पाक दा नाम पहले नंबर ते लिखिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने पूछा तू ईसाई नहीं, उन्हें आख्या मैं ईसाई हाँ। उन्हें आख्या हजरत ईसा अलैहि सलाम दा तू नाम तीजे नंबर ते लिखिया ते मुसलमाना दे नबी दा नाम तू पहले नंबर ते लिखिया, इहदी वजह की? उन्हें आख्या इते 100 बंदियां विचों मैं पहले नंबर ते लिखिया, मैं नबी पाक अली सलातो व सलाम दी सीरत दा मुतालिया कीता, इस नतीजे ते पहुंच गया हाँ कि अल्लाह दी जमीन ते पूरी कायनात दे इंसाना विचों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा पहला नंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आड़ा माइकल हार्ट कहंदा पे अपने दी गल मन लो, इंडिया दी बेवकूफ औरत ने मेरे पैगंबर अली सलातो व सलाम दी शान अंदर गुस्ताखी करन दी कोशिश कीती है। मेरे पैगंबर दी अजमत ते ओ अजमत ए अपने ते अपने ही रहे, आप दी अजमत दी गवाही बेगाने भी दे रहे। और फिर जिन्हों अल्लाह ताला अजमत अता फरमा दे, मुकाम अता फरमा दे, नबी पाक अली सलातो व सलाम दी शान अंदर कोई बंदा कमी कर सकदा, चांद दी तरफ अगर कोई थूकेगा ते ओदे वल ही थूक जाएगी, चांद दा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस वास्ते आइए गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, सही मुसलम दी रवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक ने मैनु 6 फजीलता इंज दियां अता फरमाईया ने कि उन्हां विच्चों कोई फजीलत भी अल्लाह ने किसे और नबी नु नहीं अता फरमाई। सब तो पहले नंबर ते अल्लाह ताला ने मैनु जवामीउल कलम अता फरमाया, यानी लफज थोड़े ने मफहूम ज्यादा, लफज थोड़े ने उदी तफसीर ज्यादा है, उदी वजाहत ज्यादा है। एक एक लफज दे कई कई किताबां लिखिया जा सकदिया ने। दूसरे नंबर ते फरमाया अल्लाह ताला ने मैनू ए फजीलत अता फरमाई के मेरा दुश्मन एक महीने दी मुसाफत ते हुंदा है, अल्लाह पाक ने इन्नी मुसाफत ते दुश्मन ते मेरा रोब और दबदबा तारी फरमा दीता है।
और तीसरे नंबर ते फरमाया अल्लाह पाक ने मेरे वास्ते माले गनीमत नु हलाल कर दिता है। नंबर चार अल्लाह पाक ने मेरे वास्ते सारी जमीन नु मस्जिद बनाया है। नंबर पांच अल्लाह पाक ने किसे नबी नु एक बस्ती वाल एक पिंड वाल एक जमात वाल एक गुरोह वाल चंद बंदियां वाल मुंतखिब इलाके वाल लेकिन मैनू अल्लाह पाक ने पूरी कायनात दा नबी बना के भेजे है। और छेवें नंबर ते अल्लाह पाक ने मैनू नबी भी बनाया है खातमुन नबीयीन भी बनाया है। अल्लाह पाक ने मेरे ते नबुव्वत दा सिलसिला खत्म कर दिता है। और अल्लाह ताला ने बाज नू बाज ते फजीलत अजमत अता फरमाइए जिस तरह दिन सारे अल्लाह ताला ने बनाए पर जुमातुल मुबारक दा मुकाबला नहीं। महीने सारे अल्लाह ताला ने बनाए पर रमजानुल मुबारक दा मुकाबला नहीं। राता होर भी ने लैलतुल कदर दा मुकाबला नहीं। पानिया दे विचों जम जम दा मुकाबला नहीं। पत्थरां दे विचों हजरे असवद दा मुकाबला नहीं। किताबां दे विचों कुरान पाक दा मुकाबला नहीं। जमीना दे विचों ओ जमीन दा टुकड़ा जिथे बैतुल्ला शरीफ बने है उस जमीन दा मुकाबला नहीं। नबी ते अल्लाह दी जमीन ते और भी बड़े आए ने पर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा मुकाबला नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए गौर कीजिए तवज्जो कीजिए मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते नाज़िल होन वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे। तीवा सपारा सूरत अलम नशरा आयत नंबर चार फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अरक़ा ज़क़रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। सोने महबूबा असा तुहाडे जिक्र नूं बुलंद कर दिता गए असी तुहाडी अजमत नूं बुलंद कर दिता गए। उन्हां मेरे पैगंबर दी शान नूं पहचाणिया ही नहीं मेरे पैगंबर दी अजमत नूं जाणिया ही नहीं। जिहड़ा मेरे पैगंबर दी जात नूं पहचान लैंदा है जान लैंदा है दीवाना बन जांदा गए मेरे पैगंबर दा जान सार बन जांदा गए। फरमाया हिंज असी तुहाडा जिक्र बुलंद कीता गए जिथे मेरा नाम आएगा नाल तेरा नाम भी आएगा। जिस अजान अंदर मेरा नाम आएगा नाल तेरा नाम भी आएगा। जिस तकबीर अंदर मेरा नाम आएगा नाल तेरा नाम भी आएगा। जिस कलमे दे अंदर मेरा नाम आएगा नाल तेरा नाम भी आएगा। जिस नमाज दे अंदर मेरा नाम आएगा नाल तेरा नाम भी आएगा। महबूबा
थाई नहीं जिथे तेरा नाम नहीं। अल्लाह को अकबर अल्लाह इधर किए हजरत मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम अपने वास्ते अल्लाह को दुआ पे कर देने फरमान देने रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल अल्लाह सोनिया मेरी जुबान दी गिरा खोल दे मेरा सीना खोल दे मेरे मामलात आसान कर दे। इधर किए अल्लाह फरमांदे ने सोनिया तुहानू दुआ करम दी लोड़ी कोई नहीं। अलम नशरह लका सदरक असी आपे तुहाडा सीना खोल छड्या गए कौन मेरे पैगंबर कौन आमीना दे दुर यतीम इनू की पता मेरे पैगंबर दी अजमत किन्नी है इनू की पता मेरे पैगंबर दी जात केड़ी है। वज़ुखादे मुखड़े वाले वल्लईम दिया जुल्फां वाले वल बरद दे दंदान वाले वल कलम दी नाक वाले यासीन दी सरदारी वाले मां जागल बसर दिया अखां वाले मां कदबल फुआद दे दिल वाले मुजम्मिल दी कमली वाले मुदसर दी चादर वाले अलम नशरा दे सीने वाले कत नारा तकल्लु पवजी काफी समा दी पेशानी वाले वमा यंति को अनिल खवादी मुकद्दस मुताहिर जुबान वाले इनू की पता मेरे पैगंबर दी शान दा सही उल बुखारी किताब उल वाही सात हिजरी मुहर्रम उल हराम दी पहली शाह रोम बादशाह हिरकल वालना नबी पाक अली सलाम ने खात भेजे उन्हें आख्या खात किदा है वेखो दसो मैनू दसिया गया बादशाह सलामत ये कोई मक्के अंदर नबी आए ने नाम उन्हों का मुहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने तुहाडे वाल खात भेजे अच्छा इंज करो मैं फिर इन्हां दी जात दे मुतालक कुछ जाणांगा पछाणांगा फिर ही कुछ कहांगा इंज करो तुसीं कोई इंज दा बंदा लभ के लियाओ जिहड़ा इन्हां नूं सब तों ज़्यादा जाणदा होए इन्हां दे इलाके दा होए खानदान दा होए ते सब तो ज्यादा इन्हां दे मुतालक मालूमात रखण वाला होए इंज दा बंदा उधरों रब्बो ना सरदार अबू सुफियान अजे कलमा नहीं पढ़िया काफला लैके ना तजारत वास्ते ते उत्थे पहुंचे होए सी उन्हां सरदार अबू सुफियान नूं ना बादशाह सलामत दे कोल लै के हाजिर कीता जनाब है उस इलाके चो आया है ये मालूमात रखदा उन्हां दे मुतालक उन्हें सरदार अबू सुफियान नूं सामने खड़ा कर लिया एक मुतरजम बंदा खड़ा कर लिया भी तू तर्जमा कर करके दसना है ते बाकी भी सारे बंदे खड़े हो गए उन्हें आख्या मैं नबी पाक अली सलात व सलाम दे मुतालक दस सवाल तेरे को करने सब तो पहला सवाल उन्हें किया उन्हें आख्या कई फफीकुम नसबहु जड़े नबी आए ने उन्हां दा नसब नामा उन्हां दा कबीला उन्हां दा खानदान किंजदा है ते गौर करना जड़ा सवाल कर रहा है ये भी गैर मुसलम है जिन्हें जवाब देना ये भी गैर मुसलम है ते जड़े सुनते पए ने जड़े उस वक्त मौके ते हाजर ने वो भी गैर मुसलम ने
सारे काफर ने ते शान मेरे मुहम्मद दी बयान हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते सरदार अबू सुफयान कहन लग्या जी उन्हां दे खानदान दा क्या कहना, उन्हां दा खानदान, उन्हां दा नसबनामा, उन्हां दा कुंबा कबीला सब तो उच्चा कबीला है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल कीता, उन्हां दे खानदान विचों कोई पहले नबी गुजरिया है? उन्हें आख्या नहीं गुजरिया। तीसरा सवाल, कोई बादशाह गुजरिया होवे? उन्हें आख्या नहीं गुजरिया। तो हिरकल बादशाह कहंदा ये भी सच्चाई दी अलामत दलील है। चौथा सवाल कीता, अबू सुफयान ये दस उस नबी नू मनन वाले माड़े माड़े ने या तगड़े तगड़े ने, अमीर ने या गरीब ने? सरदार अबू सुफयान कहन लगा, कहंदा जी माड़े माड़े ने, गरीबड़े गरीबड़े ने, कमजोर कमजोर ने, है माड़े ने पर उना दे दिल बड़े मजबूत ने, है माड़े ने उना दे दिल बड़े पकीजा ने, किते बिलाल ते गुलाम है, किते सुहैब ते गुलाम है, किते सलमान है ते गुलाम है, किते जैद है ते गुलाम है, माड़े माड़े ने, कमजोर कमजोर ने। उन्हें पंजवा सवाल कीता, उन्हें आख्या आया जी दूना अम यन को सूना, ओ वध दे पए ने या घट दे पए ने? ते सरदार अबू सुफयान कहन लगा यजी दूना ओ वध दे वध दे वध दे वध दे ही पए ने। जो तो पैगंबर मक्के चो गए सन, कल्ले सिद्दीक सन, वापस आए 10,000 दा लश्कर लेके आए, फिर वापस गए 12,000 दा लश्कर लेके गए, हज्जतुल विदा दे मौके ते दोबारा आए ते 1,40,000 दा लश्कर लेके आए। यजीदूना यजीदूना ओ वद दे वद दे वद दे ही जा रहे ने। ते सरदार अबू सुफयान को हिरकल बादशाह छेवा सवाल कर दे, हल यर तद मिनहुम, उन्हां विचों किसी ने इस्लाम छड़िया भी है कि नहीं? उन्हें आख्या जी असी मार के वेखे है, अग दे अंगारियां ते लटा के वेखे है, शेबे अभी तालब दी जेल अंदर कैद करके वेखे है, जमीना जब्त करके वेखिया ने, पर ओ कट जांदे ने, पैगंबर दा साथ छड़ दे इस्लाम नहीं छोड़ दे। उन्हें सतवां सवाल कीता, हम कुन तुम तद तहिमूनहु बिल कज़िब, कदे तुसी उस नबी नू झूठ बोलदे आ सुनिया? अच्छा जदों ये सवाल कीता ना ते सरदार अबू सुफयान सोचन लग पे भी मैं जिंदगी दे विच नज़र दौड़ान लग पे भी शायद कोई गल मैनू मिल जाए। तो फिर सरदार अबू सुफयान उस वक्त कलमा नहीं सी पढ़िया, तो फरमाते ने कि मैं दिल च सोचा सी भी कोई डंडी मार जावा विच, मैं कोई चीटंग कर जावा, डंडी मार जावा, आपदे कोलों गल बना लवा। तो सरदार कहन लगे कि फिर मैं सोचा कि ऐ की कहनगे कि सरदार हो के झूठ बोली जाता? तो सरदार अबू सुफयान ने देर ला दी इस सवाल का जवाब देने विच, ना देर ला दी सोचदिया। सरदार अबू सुफयान कहंदा जी 40 साल उन्होंने साडे नाल गुजारे ने नबूवत तो पहले और बाद दे अंदर, असी उन्होंने एक दफा भी झूठ बोलदिया सुनिया ही कोई नहीं। अठवां सवाल कीता, हल यगदिर, क्या उन्होंने कदे वादा खिलाफी की? सरदार अबू सुफयान कहंदा जी नहीं। नौवां सवाल, कदे उन्हां नाल तुहाडी जंग भी होई है कि नहीं, जिहाद भी लड़ाई भी होई है कि नहीं? आखे जी हाँ, गजवाए बदर भी हो चुकिया सी ते उहद भी हो चुकिया सी। आखे कदे असी जित जाने आ, कदे ओह जित जांदे ने, कदे असी हार जाने आ, कदे ओह हार जांदे ने। दसवां सवाल, माजा या मुरुकुम, जड़े नबी आए ने वो हुक्म कादा देंदे ने, उन्हां दा मनहज किया है, उन्हां दी तबलीग किया है, उन्हां दी दावत किया है?
वेखो पहचान कर रहा हिरकल बादशाह, नबी पाक दी पहचान कर रहा है। इनू पहचान ही कोई नहीं जिन्हें मेरे पैगंबर दी शान अंदर गुस्साखी करन दी कोशिश कीती है। सरदार अबू सुफयान कहंदा है हुवा यकूलो अब्दुल्लाह वहदा वतरुकु मा यकूलो आबाउकुम यामुरुना बिस्सला वस्सिदक वलिफाफी वस्सिला। तो सानू हुक्म देंदे ने कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और अपने अबाओ अजदाद दिया गल्ला बाता छोड़ दियो, रस्मा रवाजा छोड़ दियो। हुक्म देंदे ने नमाज दा, हुक्म देंदे ने खर्च करन दा, दर गुजर करन दा और सिला रहमी दा हुक्म देंदे ने। अच्छा दस सवाल ना मुकम्मल हो गए ते दसा की कहंदा इरकल बादशाह। अगो किस्मत दी गल है, कलमा पढ़े ना पढ़े वैसे पहचान कर ली उन्हें, सियाना समझदार सी उन्हें आख्या जी इनिया खूबियां इनिया सिफता इनिया तारीफा। उन्होंने क्या वाकया तानियो अल्लाह दे नबी ने एक वक्त आएगा, इरकल कह रहा एक वक्त आएगा इस जगह ते भी हुकूमत होएगी ते मुहम्मद मुस्तफा दी होएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर विच उस जगह ते भी परचम लहराया ते इस्लाम दा ही लहराया। ते दूसरी गल उन्हें होर कीती बड़ी प्यारी गल, कहन लगा कि इन्निया सिफता वाले मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इत्थे मेरे कोल हुंदे ते अल्लाह दी कसम मैं उन्हां दे कदम चुम लैंदा। इस वास्ते आइए पहचान कीजिए, जानिए मेरे पैगंबर दी शान नो अजमत नो। मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अली सला तो सलाम दा नाम आए जौक नल शौक नल मुहब्बत नल प्यार नल लख लखा के जोम के दरूद पढ़िया करो, क्योंकि शान भी मेरे पैगंबर दी बयान हो रही है, अजमत भी मेरे पैगंबर दी बयान हो रही है। उन्हें गुस्ताखी दी कोशिश की थी है, असी अपने पैगंबर दी अजमत नु बयान करने आए, सानू चाहिदा है असी पैगंबर दिया सुनतां ते अमल करिए, असी पैगंबर दिया हदीसां ते अमल करिए। अल्लाह अकबर अल्लाह जदों मेरे पैगंबर दा नाम आए ते गूंज पै जानी चाहिदी है जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल होया है, फरमाया वारा फाना लका जिक्र के ओ खत्म नबुवत दाए सालार आया नबुवत दे बोगे नु है मार आया नवा नबी गुण जगते आ कोई नहीं सकदा जगाना अंदी रहमत कहा कोई नहीं सकदा मोहम्मद दे रुतबे नो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पा कोई नहीं सकदा जगाना अंदी रहमत कहा कोई नहीं सकदा जिथे रात मेराज सरकार पहुंचे सत्ता फलका नोचीर जाम पार पहुंचे मुकाम उस दिन बिया चो जा कोई नहीं सकदा जखाना
दी रहमत कहां कोई नहीं सकदा है। और फिरन पीर जगते जिवें बरसाती ने डडियां दावे हजारां ते पगां ने वडियां है। पर रोणा नू कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा जखाना दी रहमत कहां कोई नहीं सकदा। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवै तिरमिज़ी दे अंदर सरदार अबू तालिब मेरे पैगंबर अली सलाम दे चचा तजारत वास्ते काफला कुरैश लै करके जा रहे ने। हजे मेरे पैगंबर दी उम्र थोड़ी जइए छोटी जइए सरदार अबू तालिब जांदिया जांदिया अपने भतीजे मुहम्मद मदनू भी नाल लेके जा रहे ने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह ते ठहर जांदे ने रुक जांदे ने। एक राहिब इस काफले दे कोल आ जांदा अगे कदी नहीं आया है। आ करके मेरे पैगंबर दा हाथ पकड़ के कहन लगा है जड़ा बच्चा इना है जखाना दा सरदार बनन वाला गए रब दा रसूल बनन वाला गए रहमत लिलालमीन बनन वाला गए। कुरैश दे सरदार कहन लगे जनाब तुहानू किवें पता चलिया है इस बच्चे दे बारे के रहमत लिलालमीन बनेगा ए जखाना दा सरदार बनेगा अल्लाह दा रसूल बनेगा। आ गल सुनी जे गल सुनिया जे राहिब कहन लगा जदों तुसी आए सोना मैं इस बच्चे वल वेखदा पिया सा इस वादी ते अंदर कोई ऐसा दरख्त नहीं है कोई ऐसा पत्थर नहीं है जिन्ने झुक के मुहम्मद नू सलाम ना कीता होवे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मेरे पैगंबर बैठ गए लोगां दे अंदर लोग दरख्त दे नीचे बैठ गए मेरे पैगंबर साइड ते बैठ गए दरख्त नू वेखिया ओ झुक के मेरे पैगंबर ते साया पिया करदा गए। उधरो आसमान तो एक बादली आई है मेरे पैगंबर ते साया पे कर दी गए। अल्लाह को अकबर अल्लाह सही मुसलम दी रवायत गए सरदार अबू तालिब मेरे पैगंबर ते चचा जाने हमेशा आप दा दिफा कर दे रहे हमेशा आप दे नाल तावन कर दे रहे हमेशा आप दे नाल हमदर्दी कर दे रहे। ओ अलग बात है किस्मत विच कलमा कोई नहीं नसीबे विच इस्लाम कोई नहीं। जदों मेरे पैगंबर ने नबूवत दा ऐलान कीता है सरदार अबू तालिब ने दिलों तस्दीक कीती है। सरदार अबू तालिब कहंदे ने भतीजे आए मैं जरूर कलमा पढ़दा अगर इन्हां दी ताना जनी दा मैनूं डर ना हुंदा मैनूं डर ना हुंदा। ए कहणगे घबरा गया अबू तालिब अपने बाप दादे दा दीन डर करके छोड़ गया गए। मैनू डर ना हुंदा मैं जरूर तुहाडा कलमा पढ़ के ते तुहाडियां अखां दी ठंडक बना देंदा है। अल्लाह को अकबर अल्लाह जरा तेजी वकार रवैत सिंह मुसलम दे अंदर मेरे पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने मक्का मुकरमा दे
अंदर मैं उस पत्थर नो जानना वाए, मैं उस पत्थर नो पहचानना वाए। जो मैं गुजरदा सा पत्थर दे कोलो हला जे में नबी भी कोई नहीं बनया, नबूवत तो पहले दी गल है। ओ पत्थर मैनू सलाम करया करदा सी, ओ पत्थर मेरा अदब करया करदा सी। मेरे पैगंबर ते होने जिन्ना दा अदब दरखत भी करदे ने, जिन्ना दा इतराम पत्थर भी करदे ने, जिन्ना दा अदब चन्न ते सितारे भी करदे ने, जिन्ना दा इतराम जानवर भी करदे ने। अल्लाह इनू की पता मेरे पैगंबर दी अजमत ते मुकाम दा। अल्लाह खो अकबर अल्लाह रवैत सही मुसलम दे अंदर जेड़े तुहाडे विचों उमरे ते गए ने, हज ते गए ने ना, मस्जिद नबवी वालों एक दरवाजा सीधा जांदा है ते अगे एक पहाड़ा जांदा है, बड़ा बुलंदो बाला पहाड़ है। अज भी वो चमकदा धमकदा नजर आ रहा है, नाम उहदा उहद है, उहद पहाड़ है। 4-5 किलोमीटर दे फासले दी चौड़ाई और 15-16 किलोमीटर दी लंबाई दे फासले दे पहाड़ गए। एक दिन मेरे पैगंबर नाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, नाल उमर फारूक ने, नाल उस्मान गनी ने रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुम इंज उहद पहाड़ दे उपर चढ़ जांदे ने। जदो उहद दे उत्ते चढ़ गए ना, उहद कंबण लग पिया, उहद पहाड़ ते लरजा तारी हो गया, खुशी दे नाल झूमन लग पिया, हिलन लग पिया। आ फरमांदे ने इंज एड़ी मारी उहद पहाड़ ते, आ फरमांदे ने उस बुत उहद फइन्ना अलैका नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीदान। उहद रुक जा ठहर जाए, तैनू नहीं पता तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक ते दो शहीद मौजूद ने। अल्लाह दी कसम इन्ना अदब कीता खुद पहाड़ ने, फौरन रुक जांदा है, फौरन मेरे पैगंबर दी गल तस्लीम कर लैंदा है, फौरन मेरे पैगंबर दे सामने झुक जांदा है, फौरन मेरे पैगंबर दी हदीस मन लैंदा है। हदीस पत्थर मन्ने ते तू क्यों नहीं मनदा इंसाना, तू कहना मेरे इमाम दा कौल है, मैं मुकल्लदा ते मेरी मजबूरी है, मैं हदीस नहीं मन सकदा। आ पत्थर बेजुबान खो के हदीस मनदा पिया है, तू क्यों नहीं मनदा मेरे पैगंबर दी हदीस। अल्लाह खो अकबर अल्लाह रवैत सी बुखारी दे अंदर आ फरमांदे ने उहद पहाड़ दे पत्थरां दे नाल युहिब्बुना हाजा जबलुन युहिब्बुना व युहिब्बु। फरमांदे ने ए उहद पहाड़ दे पत्थरां नाल असी मुहब्बत करने आ, ते उहद दे पत्थर साडे नाल मुहब्बत करदे ने। पहाड़ मुहब्बत कीती जांदे ने, तू गुस्साखी करन लगी। हाँ पहचान ते कर, मेरे पैगंबर दा तारफ ते पढ़। अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल होया, फरमाया वरफअना लक ज़िक्रक
सोनिया असा तुहाडे जिक्र नूं बुलंद कर दिता गए, असी तुहाडे मुकाम नूं बुलंद कर दिता गए, असी तुहाडी अजमत ते शान नूं बुलंद कर दिता गए। दूसरे मुकाम ते फरमाया है, फरमाया वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। फरमाया सी तुहानो सारी कायनात वास्ते रहमत बना के भेजिया गए, रहमत नबी बना के भेजिया गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह जरा तेजी वकार की शान मेरे पैगंबर दी, किन्नी को अजमत मेरे पैगंबर दी। रवैत सही मुसलम दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कजाए हाजत वास्ते पै जांदे ने। आप दे सहाबी हजरत जाबर रजी अल्लाह खुदाला को बयान कर देने, मेरे पैगंबर ने कजाए हाजत वास्ते जांदे पए ने, आपनू कोई पर्दे वाली जगह मुयसर ना आए, कोई पर्दे वाली जगह नजर ना आए, जिते आप कजाए हाजत कर लैणे। हंजे एक वादी है, वादी दे नाल दो दरखत नजर आए, मेरे पैगंबर उन्हां दरख्तां दे करीब चले गए ने। हंजे एक दरख्त दी टहनी नूं पकड़ के खलाया गए और आप फरमांदे ने, ओ दरख्ता दरख्ता अल्लाह दे हुक्म नाल मेरे नाल आ जा, मेरे नाल चल पै। हजरत जाबर कहंदे ने, मैं वेखी जाना वा, मेरे वल वेखी जांदे ने पैगंबर, मैं वेखी जाना वा ए मंजर। ओ दरख्त अपनी जगह तो हिलिया ते मेरे पैगंबर दे नाल चल पैंदा है। फिर दूसरे दरखत नूं आखिया, अल्लाह दे हुक्म नाल मेरे नाल चल पै। दूसरा दरखत भी चल पैंदा है, मेरे पैगंबर ने ना दरख्तां नूं जोड़िया ते परदे वाली जगह बना दीती है। कजाए हाजत तों बाद हजरत जाबर रजी अल्लाह खुदाला अन्हो फरमांदे ने, मैं वेखी जाना वा कजाए हाजत तों बाद ए दरख्त अपनी अपनी जगह ते चले गए, अपनी अपनी जगह ते जाके खड़े हो जांदे ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाया वारा फाना लका जिक्र के। सोनिया तुहाडी अजमत नूं ते दरख्त भी जानदे ने, तुहाडी अजमत नूं ते दरख्त भी पहचानदे ने। रवैत सहीहुल बुखारी दे अंदर गए, मस्जिद नबवी दी पहली सूरत, जमीन कच्ची है, छत खजूर दे तनिया दी बनी हुई है, इस मिंबर दी जगह ते एक खजूर दा तना गाड़िया होया गए। उस खजूर दे तने दे नाल मेरे पैगंबर टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाया कर दे, मस्जिद नबवी दे अंदर उदो मस्जिदां कच्चियां हुंदियां सन, अज मस्जिदां पक्कियां ने ते नमाजी कच्चे ने। उदो मस्जिदां कच्चियां सन ते नमाजी पक्के सन, अज कोई माड़ी जी सहूलत ना होवे मस्जिद दे अंदर, नमाजी तंग हो जांदे ने। अगर किसे वक्त जनरेटर ना चले नमाजी परेशान हो जांदे ने। थोड़ी जी गर्मी महसूस होवे बंदा परेशान हो जांदा। आ हालत वेख मस्जिद नबवी दी, मेरे पैगंबर दे सहाबा बारिश हो जांदी, कीचड़ दे अंदर मेरे पैगंबर दे सहाबा सजदे करिया कर दे। अल्लाह दी कसम, ओ सजदे बड़े प्यारे लगदे अल्लाह ताला नूं।
अल्लाहु अकबर अल्लाह जड़ी गल करना चाहना है उस दरखत दे उस खजूर दे तने दे नाल टेक लगा के मेरे पैगंबर खुतबा फरमाया कर दे अल्लाहु अकबर अल्लाह एक मर्द या एक औरत उन्हें इजाजत मंगी सोने इजाजत मंगी अपनी मर्जी ने की थी उन्हें इजाजत मंगी सोने इजाजत खोवे मैं तुहाडे वास्ते मिंबर तैयार कर छड़ा है आपने इजाजत इरशाद फरमा दी मिंबर बन गया मस्जिद नबवी अंदर आ गया खुतबा दीवारी आई मेरे पैगंबर ने उस खजूर दे तने नू छोड़ के ते आप मिंबर ते चले गए अल्लाह विच फासला आया ना विच वक्फा खोया ना है हदीस विच लिखया है ओ खजूर दा तना मेरे पैगंबर दी जुदाई दे अंदर इंज रोंदा है जिवें छोटा बच्चा रोंदा है फूट फूट के रोंदा पे आ गए सिसकियां ले ले के रोंदा पे आ गए अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर मिंबर तो नीचे उतरे ने मेरे पैगंबर ने खुतबा रोक दिता है मेरे पैगंबर उस खजूर दे तने नू अपने सीने न लगा लैंदे ने अल्लाहु अकबर इंज चुप करांदे ने जिवें बच्चे नू बंदा चुप करांदा है इस वास्ते तू बंदियां नू रवाना है मेरे पैगंबर ते दरख्तां नू भी चुप करांदे रहे मेरे पैगंबर ते खजूर दे तनिया नू भी दलासा देंदे रहे तू बंदियां ते जुल्म करके बंदियां नू रवा देना गए तियां पैणा दा हक खा के उन्हां नू घरों कढ के उन्हां नू रवा देना है आ मेरे पैगंबर दी अजमत नू भी मन लै मेरे पैगंबर दी सीरत नू भी वेख लै फरमाया वारा फाना लंका जिक्र के सुनिया सा तुहाडे जिक्र नू बुलंद कर दिता गए रवायत मुसनद अहमद दे अंदर गए मेरे पैगंबर दे कोल अनसार दे कुछ लोग आए ने कुछ बंदे आए ने अनसार दे आ करके कहंदे ने सुनिया साडे बाग अंदर एक ऊंठ ए हलका खोया पिया गए कोई इहदे नेड़े नहीं जांदा है ना ए सवारी दा कम दिंदा गए ना इहदे ते असी समान लद सकणे गाए ना ही अपने उपर किसे नू बिठाण दिंदा गए बेकाबू हो गया गए ऊंठ आओ जरा साडा ऊंठ चेक करो ते वेख लवो मेरे पैगंबर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अनु ना लिया ते अंसार दे उस बाग दे अंदर चले जांदे ने मेरे पैगंबर ओ ऊंट जड़ा किसे नू नेड़े नहीं सी आन देंदा ओ ऊंट जड़ा अपने उपर समान नहीं सी लदन देंदा ओ ऊंट जड़ा किसे दे काबू नहीं सी आंदा मेरे पैगंबर नेड़े जाई जा रहे ने अंसार कहंदे ने महबूबा ए तुहानू किते नुकसान ना पहुंचा देवे जरा दूर खो जावो मेरे पैगंबर कहंदे ने कुछ नहीं कहंदा ऊंट आ फरमांदे ने ओ ऊंट इधर आ ऊंट आ वेख मेरे पैगंबर दी गल ऊंट पिया मनदा है मेरी आ पैगंबर दी इज्जत वेख मेरे पैगंबर दी शान वेख जिदा असी कलमा पढ़िया ते जिदे असी उम्मती बने आए अल्लाहु अकबर अल्लाह आ फरमांदे ने ऊंट इधर आ बई ऊंट इधर आ ते ऊंट झुक के अदब नाल मेरे पैगंबर दे कोल आ जांदा है मेरे पैगंबर दे कोल आया आपने नकेल पाई ते मालक दे सुपुर्द कर दिता ते आप चले गए फरमाया वरफाना लका ज़िक्रक मेरे महबूब पैगंबर दी अजमत मेरे महबूब पैगंबर दी शान है नहीं
कि कायनात दी हर चीज ने मेरे पैगंबर नू पहचाने है, मेरे पैगंबर दा अदब कीता है, मेरे पैगंबर दा एहतराम कीता है। दसूए वालियो, जिस तरह मेरे पैगंबर दी शान आला है, जिस तरह मेरे पैगंबर दी जात आला, इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम दी पाक जुबान चो निकलन वाली बात भी आला है। अगर पैगंबर शान वाले ने ते उन्हां दी बात भी शान वाली है। ओ गुस्ताखी करन दी कोशिश करदे ने, सानू चाहिदा है जड़ी साडे विच कमी है, असी पैगंबर दी एक एक अदा ते अमल करिए, एक एक हदीस ते अमल करिए, एक एक सुन्नत नू अपनाइए, ताकि उन्हां नू पता चल जाए कि सच्चे मुहिबान पैगंबर दे अजे तक जिंदा ने। इस वास्ते जब तक मुसलमान दा बच्चा बच्चा जिंदा है, किसे सूरत दे अंदर भी नबी पाक दी शान अंदर गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकदा नहीं कर सकदा। इस वास्ते हुरमत दे रसूल ते साडी जान भी कुर्बान है, और असी हुकूमत दे वक्त अगे ये मुतालबा रखने हाँ कि स्कूलां दे अंदर निसाब दे अंदर मेरे पैगंबर दी जिंदगी नू रखिया जाए, मेरे पैगंबर दी सीरत नू लियांदा जाए, ताकि हर हर बच्चे नू मेरे पैगंबर दी जात दा तारफ हो जाए। आइए पैगंबर दी शान जिस तरह आल है, इसी तरह पैगंबर दी बात भी आल है। पैगंबर दी शान नू भी मनिए, पैगंबर अलैहिस्सलाम दी बात नू भी मनिए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।